नमस्कार किसान दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह रघुवंशी आज आपको ट्रेन से मुलाकात कराने आ रहे हैं और आज हम धनिए पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो किरण जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हेड पटोलिया, गुजरात में जूनागढ़ में हमारी कंपनी है, एग्री क्लिनिक है और हम सीड का काम करते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के जो नए बीज आते हैं इसकी पोटेंशियल ज़्यादा रहती है, उसमें जो डिसीज और पेस्ट है वो कम होता है। अच्छा। और मैंने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है और EM मेरा चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हम दोनों कॉलेज टाइम पे क्लासमेट हुआ करते थे, आमने सामने रहते थे, पर आज हमारा जो विषय है वो है धनिया के ऊपर। तो धनिया, जैसा कि हम बताएं कि सबसे ज़्यादा जो वैरायटी, जो अच्छी अच्छी रिलीज होती है, हमने सुना है गुजरात राजस्थान से काफ़ी रिलीज होती है, पर जैसा देखा जाता है एक मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ से मैं भी आता हूँ, गुना जिले से, तो वहाँ पे धनिया की काफ़ी डिमांड आती है। गुना हुआ, कुंभराज हुआ, अशोकनगर, ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें धनिया की काफ़ी डिमांड आती है। तो वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ के क्लाइमेट में आपको क्या लगता है, कितना अंतर है? अभी मैं जहाँ क्षेत्र में हूँ वो है जूनागढ़, और यहाँ पे हमारा सौराष्ट्र रीजन आता है, उसमें आता है गोंडल, आता है राजकोट, आता है इधर जेतपुर, जूनागढ़, अबरेली और पोरबंदर, ये पूरा सौराष्ट्र रीजन ले जाता है। गिरनार का नाम तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये पर्वत है वो सबसे बड़ा है, तो इस इलाके में सौराष्ट्र आता है और सबसे बढ़िया जो धनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे होता है और आपके MP में होता है, और उसके अलावा राजस्थान में अजमेर के और रिसर्च स्टेशन में बात होता है। अभी उसकी वेरायटी की बात करें तो ज़्यादातर तो धनिया में क्या है कि कोई वेरायटी किसी को पता नहीं है, पर गवर्नमेंट में 3 वेरायटियाँ अभी नोटिफाइड हो रही है, जो कि गुजरात में, तो गुजरात धनिया एक नंबर है, गुजरात धनिया दो और गुजरात धनिया तीन, जिसमें लेटेस्ट की बात करें तो 3 नंबर जो धनिया है गुजरात धनिया तीन, तो सबसे लेटेस्ट गुजरात धनिया तीन। तो यही हमारे जो क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि लोग है ना वेराइटीज़ का नाम नहीं जानते, इसलिए है ना उन्हें क्या है, कितना भी बीघे में आप सोचिए जो वेराइटी 3.5-4 किलो लगती है वहाँ पर 10-10, 11-11 किलो बोलना है, 8 किलो बोलना है, और वैरायटी के नाम पे बस वहाँ पे ये चलता है कि हम चाइना धनिया बो रहे हैं, हम कड़वी धनिया बो रहे हैं, मीठी बो रहे हैं, ठीक है, हरी जो बो रहे हैं, बस बादामी, बस सिर्फ उनके कलर और स्वाद से वो अंतर करते हैं, बाकी उन्हें ज़्यादा आइडिया नहीं। तो कैसे वो आगे बढ़े हैं, उन्हें आपको क्या लगता है कि उस एरिया में कौन सी वैरायटी ज़्यादा सूटेबल है? अभी हम मान के चले हमारे यहाँ धनिया तो बेचते हैं, उसमें एक तो पत्ती वाली धनिया रहती है जो कि हाइब्रिड होती है, उसमें फ्लावरिंग नहीं रहता और उसके पत्ते के ऊपर ही बढ़ जाते वो जो अपन सब्जी के लिए सब्जी के लिए वो उसके पत्ते बड़े रहते हैं, वो प्रोडक्शन पर पत्ती होती है। दूसरी चीज़ जो सीड प्रोडक्शन के लिए रहता है, उसके दाने हैं वो मार्केट में बेचते हैं, वो ड्यूल पर्पज भी आती है और सीड सीड प्रोडक्शन के लिए भी आती है, पर मार्केट में ज़्यादातर वो ड्यूल पर्पज की डिमांड होती है। और उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन है वो ये जो 3 नंबर है सबसे लेटेस्ट है, उसका प्रोडक्शन मान के चलो तो 12-13 क्विंटल उसका पोटेंशियल है पर एकड़ के हिसाब से, 12-13 क्विंटल प्रति एकड़, और उसका एवरेज औसत की बात करें तो एवरेज में उसका निकलता है 1 बीघे में हमारे यहाँ 3 क्विंटल निकलता है, 3-4 क्विंटल, और पोटेंशियल 5 क्विंटल तक निकल आता है। तो हमारे यहाँ जो बीघा है वो 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, वहाँ का थोड़ा बड़ा होता है ना। तो कितने बीघे का 1 एकड़ होता है? हमारे यहाँ जैसे कि यहाँ जैसे 16 घंटा चलता है, वहाँ बिसवा चलता है। अच्छा, यहाँ 16 बिसवा का जो बीघा होता है वहाँ 20 का हो जाता है, तो यानी मैं ये मान सकता हूँ कि अगर यहाँ 3-4 क्विंटल निकल रही है बीघा, तो 3-4 तो वहाँ निकलेगी, और चूँकि बीघा बड़ा है तो बीघा में वहाँ 5-6 क्विंटल भी निकलने की संभावना है। अभी जो ये वेरायटी हमारे यहाँ गुजरात के लिए 1 और 2 नंबर चाहिए, उससे 3 नंबर का जो प्रोडक्शन है वो 20% ज़्यादा निकलता है। 20%? हाँ, पर जो 3-4 क्विंटल है वो एवरेज औसत है, जो कि नॉर्मल जो वेरायटी रहती थी 1-2 नंबर वो भी निकल आती है, पर जो ये वेरायटी है वो 20% ज़्यादा निकलती है। और दूसरा कि इसमें रेजिस्टेंस पावर है वो काफ़ी अच्छा है, और ये धनिया की अगर हम बात करें तो ये वेरायटी दूसरी वेरायटियों से ऐसे अलग होती है कि जो नॉर्मल जो वेरायटियाँ रहती है उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, वो 100-105 दिन में पकने तैयार हो जाते हैं, इसका
का जो ड्यूरेशन है वो 110 दिन का है, तो 107 से 110 दिन में आएगी, एक हफ्ता ही है वो लेट पड़ेगी, पर उसके मुकाबले इसका जो पौधा है वो थोड़ा लंबा होगा, चौड़ा होगा, इसकी जो फुटन है वो ज़्यादा होगी, और जो हमारे गुच्छे रहते हैं तो जो रेगुलर जो वेराइटी आती है उसके गुच्छे में 8 से 10 दाने आते हैं और इसमें 14 से लेकर 16 तक आते हैं। अच्छा हाँ, तो इसका जो फ्लावर कलर है जैसे मैंने बोला कि सफ़ेद रहता है, तो इसमें थोड़ा शेड होता है पिंकिश कलर का, इसके जो फ्लावर है वो भी हल्का गुलाबी रंग का, हल्का गुलाबी कलर का इसका फ्लावर रहेगा। तो ये अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क जिससे क्या है किसान को, अब चूँकि जल्दी से बता देते हैं धनिया के बारे में, हमारे जो किसान गुना अशोकनगर और कोटा जिले से देख रहे हैं 12 जिले से, कि इसका जो हम उत्पादन उनको बीघा में हम 5 से 7 क्विंटल के बीच में बोल सकते हैं, ये आप मान के चलो कम से कम 5 से लेकर 7 पोटेंशियल आएगा क्विंटल में, 5 जल्दी आएगा, आसानी से आ जाएगा, वो जो दुनिया बोल रहे हैं उसके हिसाब से एक बीघे में 1 क्विंटल आराम से ये ज़्यादा निकल सकता है, एक बीघा में 1 क्विंटल आराम से ज़्यादा निकलेगा जो रेगुलर बोल रहे हैं। अगर एक ही खेत में दोनों वेराइटी लगाए, अभी जो कोई भी वेराइटी लगा रहे हैं और ये वेराइटी लगाए, तो उन दोनों में ये डिफरेंस आएगा कि इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं औसत उपज भी मान के चले, एक ही खाद बीज और पानी एक ही तरीके से दिया तो ये 1 क्विंटल आराम से ज़्यादा निकलेगी। अगर किसी किसान को 3 क्विंटल निकलता है तो ये 4 निकलेगी, इसको 5 निकलता है ये तो ये 6 निकलेगी, अगर 6 निकलता है तो ये 7 निकलेगी। तो इसका एक बहुत ही अच्छा आपको ये सुनने को मिला कि बीघा में आपका जो उत्पादन आ रहा है उसका 1-1.5 क्विंटल तो ये आराम से आपको बढ़ा के देगी। साथ में दिक्कतें आती हैं जो किसानों की, कि वहाँ बीमारियाँ काफ़ी आती हैं, तो बीमारियों के प्रति इसमें कितना आपको लगता है कितनी दम खम है इससे? सबसे पहले तो बात करें हमारे यहाँ जो है एक जड़ गले की बीमारी आती है, मरा रोग, मर रोग बोलते हैं, हाँ वो स्टार्टिंग के टाइम पे वो पूरा सूख जाता है, वो इसमें नहीं रहता है। और बाकी हम क्या है कि हम जो सीड बेचते हैं उसमें हमने सीड ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि दो फंगीसाइड और एक इंसेक्टीसाइड, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, इसमें भी बेस्ट कॉम्बिनेशन कि एजोक्सिस्टोबिन थायोफिनिक मिथाइल, ये दो फंगीसाइड के कॉम्बिनेशन हो गए, तो उसके अलावा तीसरा थायोमिथोक्सन जो कि हाँ वो कीट के लिए प्रतिरोधी है, तो सकिंग पेस्ट आते हैं जो चूसक कीट है, चूसक कीट है हमारे यहाँ मच्छर के, उसके लिए वो 20-25 दिन या 30 दिन तक एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी चेंज होगी उसके मुकाबले वो अच्छी वहाँ से उसको कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो हमने HDF दिया हुआ है जो 10 ml का पाउच आएगा जिसमें लिक्विड रहता है, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो उसका जर्मिनेशन है वो 2-3 दिन पहले करता है। तो जो नॉर्मल धनिया जो जितने दिन में निकलती है उससे 2-3 दिन पहले ये जर्मिनेट हो गया और एक साथ जर्मिनेट होगी और फफूंद के और कई सारे जो कीट रहते हैं वो 20-25 या 30 दिन तक लगेंगे। ये वैरायटी भी बहुत सारी रजिस्टर्ड है पर हमने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बीज के साथ साथ ये भी जरूरी है उसका बीज उपचार, तो बीज उपचार में इन्होंने क्या कर रखा है कि पहले से ही किसानों को साथ में बीज उपचार के लिए अलग से ये दवाइयाँ देते हैं जो 2 पाउच बनाते हैं जिसमें आपका इंसेक्टिसाइड कवर हो जाता है, फंगीसाइड कवर हो जाता है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट जो शुरू में जो जरूरी पोषक तत्व है उसकी कमी HDM पाउडर और HDM कर देता है। तो ये तीनों चीज़ें आप बीज उपचार में जो बैग के साथ में ही आता होगा, अलग से कोई खर्चा करना नहीं है। और हमने बैग में ऐसा किया हुआ है, हमारे यहाँ 16 बूटे का बीघा है और हमारे यहाँ 3 kg पर बीघा डाल रहे हैं सीख रहे हैं, और हमने क्या है कि पैकिंग है वो 1 बीघे का ही किया हुआ है गुजरात के हिसाब से, गुजरात के जो हमारे सौराष्ट्र रीजन है वहाँ पे 16 बूटे का बीघा चलता है, कई जगह पे 24 बूटे का भी चलता है, 1.5 गुना बीघा ज़्यादा है, तो वो बैग ज़्यादा ज़्यादातर है 80-90% है वो 16 बूटे का बीघा है, तो उस हिसाब से हमने पैकिंग किया हुआ है और उसमें क्या है कि ये दोनों फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो साथ में ही दे दिया है, और उसका कैसे उपचार करना है वो भी हमने बता दिया है कि अभी एक बैग के हिसाब से 35 से 40 ml 35-40 ml पानी लेना है, उसमें दोनों जो हमने दिया हुआ है वो पाउच डाल देना है, उसके बाद उसको जो स्प्रे आता है जैसे हम नाई के पास जाते हैं तो जो स्प्रे आता है उससे डालना है, पाउच से नहीं डालना है क्योंकि वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उससे स्प्रे करके
जब अगले दिन जब वो बुआई करती है उससे अगली रात को सुखा के वो फैन के नीचे डाल देगा, तो उससे क्या है कि वो पूरा सूख जाएगा, वो मोटर से उसको चलने में आसानी होगी। तो जैसा कि बीज उपचार आपने सुन रखा है, बीज उपचार के साथ में उसे कैसे लगाना है कि एक दिन पहले अपन को 24 घंटे पहले, और कोशिश कीजिए कि शाम को उसका बीज उपचार करके रखें और सुबह आप बोइंग के सोइंग के लिए आप चले जाओ, तो अच्छे से बुआई होगी और शुरू के 30-35 दिन कोई दिक्कत तो बीज उपचार की दवाइयों से ही नहीं आएगी, इतना दम कम होगा। आगे कुछ बात करते हैं कि जो आगे रोग आते हैं, तो अगर जैसे वहाँ पे हमने जो इंग्लिश में हम वॉल मिर्च के नाम से जानते हैं, लॉन्ग ईयर रोग की समस्या है, कईयों के क्या है माहौल की समस्या आती है, जो अपना एसिड वगैरह के अटैक आते हैं जिससे काफ़ी लिक्विड जनरेट होता है, तो ऐसी समस्या उस एरिया में हमको बुंदेलखंड क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में देखने में, इनसे कैसे बचा जाए? अभी जो रेगुलर वेराइटी है वो आप जिधर जो भी कोई वेराइटी चल रही है उससे तो उसका रजिस्टर काउंट बढ़ गया है, पर उसमें जैसे कि वो आता है जो भी आता है या फिर भी आता है, तो उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उसकी दवाई कर रही है, तो उसमें क्या है कि अभी जब इंसेक्ट आते हैं या पेस्ट आती है, इंसेक्ट पेस्ट या फिर कोई डिसीज आती है, तो जब हमको खेत में थोड़े बहुत भी पौधे दिखे, हमारी नज़र है वो एक आध पौधा भी दिखे, तब दवाई का छिड़काव कर देना है पहली नज़र में, एक भी पौधा दिखे तो अपन को दूसरी टाइम दवाई। और अभी ये सिर्फ ट्रीटमेंट हमने दे दिया, और उसके बाद में हम बात करें तो तीसरा जो पानी आता है 20-25 दिन में, हमारे यहाँ क्या है कि नदी में 5 पानी देते हैं, आपके इनपू में शायद 2 या 3 पानी देते हैं, हाँ कई जगह 1-2 पानी देते हैं, कई जगह 2-3 बार, हाँ हमारे यहाँ 5 पानी से कम कोई नहीं देता है, 5, 6, 7, 8 कोई 9-10 पानी तक भी चला जाता है, हाँ 10 पानी में पूरी फसल तैयार करते हैं। जर्मिनेशन के टाइम पे 2 पानी दे देते हैं, पहले हल्की दे देते हैं, उसके बाद में 3-4 दिन में दूसरी दे देते हैं, फिर वो जब 20-25 दिन की फसल होती है, जब वो दिखता है कि अभी पौधा है वो थोड़ा बहुत सूखने को है, तब उसको पानी देते हैं जिससे उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद में जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तब देते हैं, और फ्लावरिंग में से कोड फॉर्म की जो दाने बनते हैं उस टाइम पर पानी देते हैं। हमने जो सीड ट्रीटमेंट दिया है उसके साथ हम ये रिकमेंडेड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये वो मूँगफली या सोयाबीन ये दो ही चीज़ ज़्यादातर बोली होती है, और उसमें दोनों में सल्फर की कमी रहती है, तो हम जिंक सल्फेट को डालने की बात करते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आता है, जो DAP और जो 12-16 जो NPK खाया जाता है उसमें ये साथ में मिक्स करके जो बुआई के जिंक सल्फेट जिसमें 14% जिंक आता है और 67% है वो सल्फर आता है, जो बुआई के टाइम पे देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ होगा वो सबसे बढ़िया होगा, और उसको लगाने का भी एक तरीका है क्योंकि पाउडर है दूसरा दानेदार होता है, अगर उसको हमने पेटी में रख दिया तो वो पूरा चलने के टाइम पे पूरा रफ होके नीचे गिर जाएगा, तो उसको क्या करना है शाम को उसको पानी छिड़क देना है, DAP NPK जो भी दिया है उसको, फिर उसको 2 kg हमारे यहाँ 16 मुठे में 2 kg लगता है, 1 एकड़ में 5 kg के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं, वो भी सुमेल कंपनी का आता है, वो सबसे बेस्ट आता है, उसकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो वो उसको पानी का छिड़काव करके 5 kg पर एकड़ के हिसाब से वो डाल देता है, 5 kg पर एकड़, हाँ कि उसको छिड़काव करना है, और खाद को भी खाद का एक कोटिंग करना है और वो शाम को सुखा देना है ताकि दूसरे दिन वो रोटर में है वो भर ना जाए, बराबर गिरेगा उसका जो रिजल्ट है आप किसी में नहीं लगाओगे और लगाओगे तो उसमें डिफरेंस आ जाएगा। फ्लावरिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि फ्लावरिंग गिर जाता है, जो गुच्छे में दाने रहते हैं वो पूरे के पूरे भरे नहीं रहते, और इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, और हमारे यहाँ झाकड़ बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या तुषार पड़ता है, हाँ तुषार, अच्छा तो उसके कारण क्या है कि जो दाने वो कम बनते हैं उसमें से फ्लावरिंग वो गिर जाता है, 8-10 का गुच्छा रहता है तो उसमें से 1-2 बनते हैं या 3 बनते हैं 4 बनते हैं, तो हम क्या है कि उस टाइम पे वो फ्लावरिंग कम गिरने देगा और दाना जो है उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी बोल्ड करेगा। हमारे यहाँ वैसे 3 प्रकार के धनिया लगाते हैं, उसमें एक रहता है धनी रहती है छोटी रहती है, हमारे यहाँ धानी बोलते हैं उसको, छोटी साइज की रहती है उसको ग्रीन पकाते हैं, बस मतलब उसका जो दाना है वो हरा करते हैं,
ग्रीन कलर का लाते हैं, और दूसरा रहता है दाल की पुलिस का, जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं धनिया दाल रहती है। धनिया दाल, हाँ, दाल के तरीके से उसको क्या है कि उसको स्प्लिट लगा के वो खाकी कलर जो बादामी कलर, हाँ बादामी कलर आता है उसको पकाते, वो बड़ा साइज रहता है, वो जो धनी रहती है उसका साइड वो छोटा रहता है और ग्रीन कराते हैं, और इसका है वो बादामी करते हैं, तो उसका जो ग्रीन का रेट है वो ज़्यादा मिलता है। तो अभी जो ये जो तीन नंबर है उसकी एक विशेषता तो रहेगी कि वो धनी भी नहीं है और धनिया भी नहीं है, बड़ी साइज भी नहीं है और छोटी भी नहीं, मीडियम साइज की रहेगी। अच्छा ये हाँ कई लोगों का जो प्रश्न आता है कि ये तीन नंबर है वो धना है कि धनी है, तो ये ना धना है ना धनी है, उनके बीच की है, अगर मीडियम साइज की है। ये इसका जो पौधा है वो पूरा धना ही है, पूरे धने की तरह आएगा, हाँ धने की तरह आएगा, और उसका प्रोडक्शन धने से बेटर आएगा, क्योंकि धनी का प्रोडक्शन क्या है कि ये जो धना है उससे कम रहता है, और उससे क्या है कि उसकी हाइट छोटी रहती है, वैसे उसमें फर्टिसाइड और वो थोड़े कम लगाने पड़ते हैं, तो उसको ग्रीनिश बनाना पड़ता है, उसका प्रोडक्शन कम आता है। पर ये जो वेराइटी है वो दिखने में कोई भी किसान लेके जाएगा तो उसको लगेगा कि धनी ले लिया, और अगर ये किसी ने खेत में बो के रख दिया तो इसके मुकाबले मान के चलो कोई वेराइटी आई नहीं, सबसे बेस्ट रिजल्ट इस वेराइटी का ही मिलेगा। पर जैसा कि एक समस्या है कि इतने जो आपने पानी बताया, इतने पानी तो हमारे इधर जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि इतने पानी तो वो 8-9-10 पानी देना है, वो तो दे नहीं सकते, तो एक तो पानी में ये वैरायटी कैसे आएगी आपके पास? अभी मान के चलो जैसे भी वो लोग हो रहे हैं जी वैसे ही बोलते हैं, ये एक हफ्ता लेट पड़ेगा। अच्छा, तो उसको एक आध पानी अगर ज़्यादा दे सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। एक दो पानी देते हैं तो वो दे सकते हैं, अगर उसमें एक आध एक्स्ट्रा और दिया तो बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ 13 क्विंटल का जो पोटेंशियल है वो आते हैं, बोलेंगे कि 13 क्विंटल निकलता है तो आप मानेंगे ही मानेंगे नहीं, ये ऐसे बड़ी बड़ी कर रहे हैं कुछ के इतना आता है कि नहीं आता, तो वो जब आता है जब हम 8-9 पानी तक पहुँचते हैं, 8-9 नहीं जैसे जमीन के ऊपर रहते हैं, हमारे यहाँ हल्की जमीन रहती है तो 8-9-10 तक चला जाते हैं, किसी की बढ़िया जमीन रही तो 5 तक, 5 से कम हमारे यहाँ कोई देता ही नहीं, 5 या 6 की एवरेज रहती है। अगर हम 2-3 पानी भी दें तो भी हम इनको 5 से 7 क्विंटल के बीच में पीला निकाल निकाल सकते हो किसान, और उसमें क्या है कि उसको जो पानी है एक जर्मिनेशन पूरा हो गया है, हमारे यहाँ क्या करते हैं जर्मिनेशन पे बोल देते हैं, पहला जी भी है कोई ऐसा है जो जनरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो सीड रहता है वो ऊपर ही गला होता है जमीन का, 1-2 इंच ही रहता है, और धूप ज़्यादा रहती है तो वो पूरा सूख जाता है, तो उसको दूसरा पानी 3-4 दिन में दे देते हैं ताकि वो पूरा जर्मिनेट हो जाए, वो जर्मिनेट होने के बाद उसकी रूटिंग तो नीचे जाएगी, नीचे तो उसके लिए वो जर्मिनेट होने के लिए 8 से 12 दिन लगते हैं, धनिए में ज़्यादा 10-12 दिन लगते हैं, ये 8-10 दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन अगली जर्मिनेट हो जाएगा, हाँ तो ये 10 दिन में जर्मिनेट होते हैं तो 2 पानी हमारे उस टाइम पे ही दे देते हैं, तो 2 जर्मिनेशन हो गया, तीसरा पानी देते हैं 20-25 दिन में, 20-25 दिन में तीसरा, हाँ तीसरा, और उसके बाद चौथा जो पानी रहता है वो फ्लावरिंग जब दिखता है फूल आना जब शुरू होता है तब दे देते हैं, और बीच में ऐसा लगता है किसी का लेट फ्लावरिंग रहता है जमीन है वो थोड़ी हल्की है तो बीच में एक आध दे देते हैं, और जब दाने भरते हैं उस टाइम पे तो देना ही देना है, तो मतलब एक पानी दाने भरने के लिए बचा के रखते हैं क्योंकि वहाँ पानी की शॉर्टेज है, इसलिए मैं पूछना शुरू में एक पानी हम 20-25 दिन पर दे देते हैं, और स्टार्टिंग में वहाँ पलेवा करके बोने का वो सिस्टम है, पहले पानी दे देते हैं और उसके बाद तो पहला पानी पलेवा के समय, फिर 25 से 30 दिन पर, और दूसरा तीसरा पानी अगर कोई दे दे सके तो दाने जब भरे उस समय दे सके, तो 3 पानी में भी 5 से 7 क्विंटल बीघा में हम अचीव कर सकते हैं, बाकी भी और भी पोटेंशियल है। ये अगर किसी ने बोली एक बार अगर दाने देखने नहीं, दाने जो है वो धनी करके ही बेच रहा है कि धनी है ये, क्योंकि दिखने में भी धनी लगेगी पर प्रोडक्शन है वो पूरा धनी का हिसाब से आएगा, धनी जो रहते हैं उसके हिसाब से पोटेंशियल निकलेगा, और धनी का जो रेट है वो मार्केट में ज़्यादा रहता है, तो ये
दिखेगी धनी की तरह, धनी की तरह दिखेगी पर प्रोडक्शन धनी की तरह आएगा, ये धना ही है पूरा। और ये रिसेंटली रिलीज हुआ, अभी मान के चलो 2018 में रिलीज हुआ, 3 साल पहले। और इसका फ्लावर से लेके पूरा का पूरा डिफरेंस है। अभी जो हमारे यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर जो वेराइटी ग्रो हुई है वो 1975 और 1985 में रिलीज हुई, अभी 35 और 45 साल है वो पुरानी वेराइटियाँ है। और उसके मुकाबले अभी हम मान के चलते ट्रैक्टर कोई भी लेते हैं या पुरानी कोई भी मशीनरी लेते हैं तो उसमें और अभी की जो मशीनरी है कितना डिफरेंस आ जाता है। कोई भी पेस्टिसाइड जो पुरानी जो हम यूज कर रहे थे और अभी का जो नया टेक्निकल आता है उसमें कितना आ रहा है। तो मेन चीज़ है कि आप कौन सी वेराइटी ग्रो करते हैं, क्योंकि दवाई आप दूसरी बार छिड़क सकते हो, जब दूसरी बार बीज तो नहीं लगा सकते ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप पहले पहचानो कि उसमें क्या पोटेंशियल है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका हम तो यहाँ पे गुजरात के किसानों को ऐसे बताते हैं कि कितने दूरी पर रखना है, ये क्या है, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। एकाध पानी इसको ज़्यादा लगेगा वो बता के ही देते हैं। तो फिर क्या रहता है कि जिस किसान को पानी की दिक्कत रहती है कि एकाध पानी बाद में मिलता है नहीं मिलता है, तो वो ये वेराइटी बोए नहीं, क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो ये वेराइटी नॉर्मल होती है उससे भी कम है, क्योंकि ये दिक्कत आती है क्योंकि लेट है तो उसका फ्लावरिंग और जो दाने बनते हैं वो लेट होगा, 1 हफ्ता या 10 दिन उसका लेट फ्लावरिंग आएगा और दाने भी लेट आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमको पानी नहीं मिला उस टाइम पे, क्योंकि फ्लावरिंग और दाने भरने के टाइम हमको पानी नहीं मिला तो उसका यील्ड आएगा ही नहीं, और अगर उस टाइम पे पानी दे दिया तो ये सबसे बेस्ट मिलेगा। तो किसान दोस्तों जो भी वेराइटी ले जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहली बात कि दाने भरने के समय पानी देना ही देना है, वो सबसे मेन चीज़ रहेगी इसमें। और दूसरी जो हम बाकी जितनी चर्चा कर रहे हैं, तो क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो जैसे भी फ़ोन आते हैं सीधा बोलते हैं कि वेराइटी कौन सी लगाइए, तो हमने कि कड़वी धनिया लगा दी, मीठी धनिया लगा दी, चाइना धनिया लगा दी, बादामी लगा दी, ये। तो अब इनके लिए मतलब मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, अब जैसे सपोज कहिए हमें कुछ नहीं आता, अब शुरू से बताइए कि हाँ पहले दिन हमें क्या करना है, लाए साथ में 2 दवाई आएंगी, बीज उपचार किया और अगले दिन सुबह हम पौने चले गए और उसके साथ जिंक सल्फेट आपने बोल दिया, जिंक सल्फेट आपने डाल दिया, आप जो DAP या फिर NPK जो भी डालते हैं जी उसको 30% कम कीजिए, पर उसका जो पोस्टिंग बनता है उसको जिंक सल्फेट में डालिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, तो DAP हम जैसे 20 किलो डालते हैं तो उसे थोड़ा कम उसको 15 kg कर दीजिए, 15 kg करते हैं हाँ, और उसमें 2 kg जिंक सल्फेट डाल दीजिए, जिंक सल्फेट 2 kg डाल, क्योंकि हमने ट्रायल किया था मक्का का जिंक प्लस आता है, ये सूर्य का जिंक सल्फेट आता है, फिर दानेदार फॉर्म में सल्फर आता है, फिर पाउडर फॉर्म में सल्फर आता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट है वो ये जिंक सल्फेट का है, वो फ्लावरिंग टाइम पे उसको मिलेगा। और जो कोई भी एकाध बीघा छोड़ देगा और एकाध बीघे में लगाएगा तो जो भी डिफरेंस उसको दिखेगा वो आमने सामने ही मिल जाएगा। बुआई के समय ही हमने खाद डाला, DAP डाला 15 किलो और 2 किलो हम जिंक सल्फेट साथ में, तीसरा पानी जब हमारे यहाँ 20-25 दिन में देते हैं ठीक है, तीसरे पानी का क्योंकि 20-25 या 30 दिन के टाइम जो रहता है उस पर ट्राइकोडर्मा देते हैं पानी के साथ, पानी के साथ में हम ट्राइकोडर्मा, उससे क्या है कि 1 महीने का जो ग्रोथ है वो हमारा पूरा सिक्योर हो गया, सीड ट्रीटमेंट दे दी, खाद में भी अच्छा खाद दे दिया और ये ट्राइकोडर्मा दे दिया, तो मर रोग भी नहीं आएगा, कोई से भी रोग आएगी कोई से रोग की समस्या ही नहीं आएगी, ट्राइकोडर्मा उस टाइम तक 25-30 तक, हाँ 25-30 तक ये पूरा कवर हो गया। और ये पौधे की दूरी आपके यहाँ कितनी रखते हैं, पौधे की दूरी हमारे यहाँ मैं कहता हूँ आपका बहुत डिफरेंस है, सीड ड्रिल से मेन तो बुआई करते हैं, 9 इंची पे सीड ड्रिल चलता है, तो हमारी कोई भी फसल हो सब 9 इंची पे जाती है, 9 इंच का जो गैप रहता है, तो चाहे वो सोयाबीन लग रहा है, चाहे वो गेहूँ लग रहा है, चाहे कुछ लग रहा है, वो 9 इंची पे ही जाएगा, एक सीड ड्रिल बनाइए दूसरी को काम हो। हमारे यहाँ क्या है कि 7-8 और 9 इंच तीनों से लगाते हैं, पर जिसकी जमीन हल्की है वही लगाता है, बाकी जो है 12 इंच 14 इंच 16 इंच 18 इंच 20 इंच तक जो ये धनिया है वो लगाते हैं, और उससे दोनों का सेम आता है, 20 इंच वाले का या 18 इंच 16 इंच वाले का बढ़ जाता है। अच्छा, जिसका 18 लगाएंगे उसका प्रोडक्शन मतलब या तो बराबर आएगा या थोड़ा बढ़ के आएगा, तो ये किसान दोस्त खास रहा है,
कि आप 9 इंच पे लगाओ चाहे 18 इंच पे लगाओ, 18 इंच में बीज भी बचेगा। हाँ, बीज भी बचेगा, उत्पादन भी बराबर है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, कम नहीं है। उसमें क्या है कि जिसको पानी की दिक्कत है वो 2 इंच से 12 इंच पे लगा दे तो चलेगा, जिसको पानी की दिक्कत नहीं है वो एक आध पानी ज्यादा दे सकते हैं। हमारे यहाँ के कंडीशन के हिसाब से वो 14, 16, 18 इंच पे लगाए। अभी जैसे 2 इंच पे जब बो रहे हैं तो एक के बाद एक जो आता है वो जो सीड ड्रिल में से आगे के बंद कर दें, पीछे पीछे वाले चलने में तो आपके क्या है 9 इंच की जगह 18 इंच का अपने आप हुआ हो जाए, इसलिए आगे के जो खाने हैं वो बंद कर दें। और दूसरी चीज, आपके यहाँ फ्लड इरीगेशन देते हैं तो क्यारे लगाते हैं या फिर? नहीं, हमारे यहाँ मैं कहता हूँ बहुत रफ खेती होती है, सीधा बुआई कर दी क्यारियाँ, ऐसा कुछ मेथड नहीं रहता कि 5 क्यारी के बाद एक लाइन जाएगी, वो सीधा फ्लड में जाएगा। तो उसमें तो बहुत दिक्कत आती है। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि ये 5 फुट का एक बेड रहता है, मतलब कि हाँ मतलब 5 फुट प्याज 5 फुट की क्यारी रहती है, उसके बाद एक नाली उसमें आप पानी देते हैं। नाली में नहीं देते, क्यारी जो है 5 फुट रहता है, 2 गेप रहा तो दोनों 5 फुट के जो टॉप रहते हैं पोर्शन वो अपर रहते हैं, जो बीच में रहता है उसमें फ्लड देते हैं, उसमें पानी देते हैं। उसमें पानी देते हैं और उसमें भी कहे कि सिस्टमेटिक रहता है कि जो पूरा है वो लाइन सीधी रहती है। और आपके यहाँ मैंने देखा है कि वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ही निकलता है, वो बिल्कुल सांप की तरह जाते हैं और बस खेत को बोल देते हैं रामू हे शामू आज पानी छोड़ देना, तो बस छोड़ देते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। आप मान के चलो हमारे यहाँ चने की पैदावार कितने क्विंटल तक एकड़ पे निकल सकती है अभी? मतलब हमारे यहाँ किसी को मैं 6 से ऊपर भी बोलूँगा ना तो बोलेंगे नहीं, बीघा में एकड़ में अगर जैसे मैक्सिमम 10-12 हमारे यहाँ 22.5 से कम नहीं निकाला, 22.5 क्विंटल एकड़ में, एकड़। अब ये जो गुना अशोकनगर एरिया के बुंदेलखंड एरिया के विदिशा के विदिशा एरिया के जो सोचेंगे ना तो बोलेंगे ये हो गई धूप, मतलब सफेद गप पे धूप, वो पोटेंशियल रहता है। और एवरेज मान के चले तो 14 और हमारे यहाँ 35 मन निकलता है, एवरेज 30-35 मन चना निकल जाता है आराम से, उसको 5 पानी देते हैं। हाँ, पहले ही बता देता हूँ यहाँ का मन अलग है, यहाँ 20 किलो को मन कहते हैं, आपके यहाँ 40 किलो को मन कहते हैं। हमारे यहाँ 20 किलो को मन बोलते हैं, 30-35 मन निकल आता है, मान के चलो 6 से 7 क्विंटल पर बीघा। हाँ, और आपका बीघा हमसे छोटा है। हाँ, 2.5 बीघे का एक होता है तो 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15 से लेके 17.5 तक निकलता है एवरेज। हाँ, मतलब हमारे यहाँ के हिसाब से बताऊँ तो ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ 9 क्विंटल बीघा में चना निकलता है, ये बात अपनी चल रही है और एवरेज बता रहे हैं। कितना निकल आता है वो कोई और एवरेज की बात करें सबसे कम कितना निकलता है तो 4 क्विंटल पर बीघे में निकलता है, तो 1 एकड़ में 10 क्विंटल निकल आता है सबसे कम, 1 एकड़ में 10 क्विंटल। हाँ, 20 मण बोलते हैं हमारे यहाँ, 20 मण है वो कोई 20 मण से कम कोई ही नहीं जाता है, 10% ही ऐसे होंगे जो कि 20 मण से नीचे जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर आपके यहाँ जैसे टेढ़ी मेढ़ी खेती करते हैं वैसे ही करते हैं, क्योंकि उसमें लॉस ही रहता है। बिल्कुल, और पानी का भी लॉस है। और हमारे यहाँ गुजराती लोगों की क्या वस नहीं होती, कुछ भी बिना हिसाब किताब किए कुछ भी नहीं करते, पहले देख लेते हैं कि मुनाफा किधर होगा तभी वो काम करते हैं। हाँ, जैसा कि इस बार देखा गया है, इस बार लोगों ने चने की जगह धनिया ज़्यादा प्रेफर किया है। धनिया का इस बार मान के चलो यहाँ गुजरात में हमारा जो टारगेट था उसके मुकाबले धनिया 80% गया और 20% ही चना, बाकी 4-5 करोड़ गए हो गए और 80% धनिया निकला। अगले साल वो 80% चना था और बाकी करोड़ 20% गए, तो इस बार पूरा उल्टा हो गया। हाँ, पूरा उल्टा हो गया, क्योंकि धनिया का जो रेट है वो अभी हमारे यहाँ 2000 से लेके 2500 तक गया था, यानी मान के चलो 10000 से लेके, मन का बात है। हाँ, तो यानी 10000 से लेके 10 से लेके 12,500 तक, 12,500 तक पोटेंशियल गया था, तो अभी उसका 10 से लेके 11,500 तक अभी चल रहा है मार्केट में। 10 से 11,000 रुपये धनिया का मार्केट रेट चल रहा है। अगर आप इस रेट में धनिया अपना बेच देंगे तो मतलब अगर 4-5 क्विंटल भी आए तो भी बल्ले बल्ले
मतलब काफी अच्छे आसार देखे जा सकते हैं। चने चने में भी काफी बहुत सारी वैरायटी है, पर हम क्या करते हैं कि उसको जैसे कि मेरी खेती बाड़ी है वो मैं खुद देखता हूँ, और गुजरात में हमारे पास ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर है जो कि किस मेथड से उसको बेस्ट उसका प्रोडक्शन लिया जाए, क्योंकि ये पोटेंशियल है। मैंने आपको बताया 22.5 क्विंटल पर एकड़, 13 क्विंटल पर एकड़ जो बताया धनिए का प्रोडक्शन, वो आता है 100 में से 5-6 लोगों को आता है, और औसत की बात करें तो वो जो 12-13 का है 9-10-11 करीबन है वो ज़्यादातर लोगों को निकल आता है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है तो 70-80% को 9-10 क्विंटल निकल आता है पर एकड़ के हिसाब से। तो हमारे यहाँ जो किसान है वो सबसे मेहनत किसान हमारे यहाँ की है, पानी कम है हमारे यहाँ भी, पर पानी देते जाता है हमारे यहाँ जो 1-2 पानी की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ किसान को बोलेंगे कि 1-2 पानी देते हैं तो वो हंसेंगे हमारे यहाँ, पर आपके यहाँ 5-6 पानी, 10 पानी की बात करेंगे तो आपके यहाँ के लोग हंसेंगे। ये एक समस्या है दोनों जगह। तो किसान दोस्तों मतलब जितना सुझाव दिया जाए उतना करें सारे ज़्यादा अच्छा है। कोई ट्राई कर सकता है 1-2 बीघा में अगर पोटेंशियल आया। और ये वैरायटी ऐसी है अगर आप जैसे भी बो रहे हो वैसे भी बोया ना तो 1 क्विंटल आराम से ज़्यादा निकलेगा। अच्छा मतलब जैसे धड़ल्ले से खेती चल रही है वो भी करें तो भी बीघा में 1 क्विंटल तो ज़्यादा निकलेगा आपकी नॉर्मल वेराइटी। तो ये वेरायटी है वो बाकी कहीं से अलग हटके ही है, अगर आपने खेत पे लगाया है तो बाकी जो रहती है वो इसमें दोनों में डिफरेंस नहीं देगा। पर कुछ भी हो हमारे एरिया के लोगों को और खासकर रामगंज मंडी जो कोटा बारा एरिया की जो फेमस मंडी है उस एरिया के लोगों को पहली बार वैरायटी का नाम पता चलेगा कि हाँ हम कौन सी वैरायटी बोल रहे हैं। ये चीज पहली बार होगी कि हाँ, नहीं तो अभी तक वैरायटी का नाम नहीं पता आपके यहाँ। नहीं हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, बस धनिया बो रहा है क्या बो रहा है पता नहीं, वैरायटी बो और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है मान के चलो, उसकी क्या विशेषता है, कितने दिन में पकती है, उसकी हाइट कैसी आती है, उसका फ्लावर का कलर कैसा आता है, कितने दिन में उसका फ्लावर आता है, कितने दिन में उसकी फली बनती है, और एक जो गुच्छा रहता है उसमें कितने दाने आते हैं, तो वो रेगुलर वैरायटी से कैसे कम्पीट होती है, उसका नॉर्मल वैरायटी अगर आप बो रहे हो और ये बो रहे हो तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। और अभी ये रेट की बात कर देते हैं, और हमारी जो 3 kg की बैग है वो 1000 रुपये की है। अच्छा हाँ, और मेन चीज़ ये है कि हमारा जो किसान बोलता है कि इतना महंगा रेट कैसे, हमारे यहाँ नॉर्मल वैरायटी भी है 650 रुपये में 3 kg बेच रहा है। अच्छा हाँ, इसमें सीड ट्रीटमेंट पहले से आ जाती है, 100 रुपये की सीड ट्रीटमेंट आती है क्योंकि हम देते ही देते हैं, क्योंकि किसान वो लेके परचेस नहीं कर सकता है। दूसरी चीज वो अगर हमने एक्स्ट्रा दिया, हाँ ये चीज़ आपने जो बताई, क्योंकि जब भी मैं बताता था अपने एरिया कि ये दवाई साथ में बीज उपचार के लिए डालो तो ये बोलते थे हमारे यहाँ तो ये मिलती नहीं है, तो ये काम जरूर अच्छा हुआ है कि ये अब बहाना नहीं मिलेगा आपको, साथ में भी 2 दवाइयाँ पहले से माइक्रो न्यूट्रिएंट इंसेक्टीसाइड फंगीसाइड जो उसमें शुरू में लगानी है वो साथ में ही मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि पूरा उसमें ही आ जाएगा 1000 रुपये का 3 kg आएगा गुजरात धनिया की, और 2 वैरायटी हमारी रिसर्च की है उसमें एक धनी है जो पूरे माही करके है वो 115 दिन में पकेगी, नेट पकेगी, उसको फ्लावरिंग आएगा 40 से 45 डेज 40-45 दिन में, और उसका जो दाना है वो एकदम गोल है, वो कोई भी धनी लेके आएगा और हमारी जो धनी है उसको धने के मुकाबले में प्रोडक्शन मिलेगा। ये आपकी खुद की रिसर्च हो रही है? खुद की रिसर्च हो रही है। अच्छा, तो जो फुले माही आपने बताया ठीक है, तो पहली वैरायटी अपनी हो गई थी गुजरात कोरिएंडर 3 नंबर जिसकी अपन ने अभी तक चर्चा की, दूसरी अभी चल रही है फुले माही ठीक है, जिसकी आप कह रहे हैं जो दाना काफ़ी फेमस है तो गोल्ड दाना है एकदम, गोल्ड नहीं जी वो धनी के जैसा ही है पर गोल्ड दाना है, गोल्ड दाना है एकदम गोल शरीफे का है, बाकी जो रहता है वो चपटा और थोड़ा मोटा रहता है, उसी को हमारे यहाँ जैसे पूरा गोल आता है ना उसी को हमारे यहाँ एकदम गोल्ड कर देते हैं कि हाँ ये है मजेदार दाना। अगर वो किसी ने बोया उसका फ्लावरिंग 10-15 दिन लेट आएगा तो वो जो धने है उसका भी पोटेंशियल 11-12 तक चली जाती है, 11-12 उसका पोटेंशियल, और एवरेज की भी मान के चलो जो हमारे यहाँ रेगुलर जो वैरायटी होती है हमारे यहाँ जो रेगुलर से ये वैरायटी 1 बीघे में 1 क्विंटल ज़्यादा निकलती है, 1 एकड़ में निकलेगी 2-2.5 क्विंटल पर एकड़ ज़्यादा निकलेगी,
एकड़ में 2-2.5 क्विंटल। तो नॉर्मली अगर अपन पकड़ के चले कि 5 से 6 क्विंटल बीघा में अगर हमारे यहाँ निकल रही है, तो उससे भी आगे 1 क्विंटल और ज़्यादा बढ़ती है। तीसरी वेराइटी है हमारी फुले बीमा, फुले बीमा वो भी आपकी रिसर्च है, वो 650 रुपये के और 3 KG फुले माही 1000 रुपये है 3 KG। इसका इतना कम रेट, ये मुझे मतलब इसमें क्या कोई कमी रहेगी? हाँ, ये जो फुले बीमा है वो रेगुलर वेराइटी है, वो कम ड्यूरेशन वाली है, 100 दिन में पक के तैयार होती है। और जो बादामी आप बोल रहे थे उस तरीके से उसको पकवाना है तो वो वेराइटी बेस्ट है, और वो कम पानी में वो लग सकती है। तो ये दोनों वेराइटी है, उसको एक एक पानी या 2-2 पानी ज़्यादा रहेगा। फुले माही को 2 पानी ज़्यादा देंगे तो भी चलेगा, एक ज़्यादा देंगे तो भी चलेगा, एक तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, 110-115 दिन में आएगी, वो 10 दिन लेट पड़ेगी, 10 या 15 दिन रेगुलर जो वेराइटी है उससे। और जो फुले बीमा है वो 100 दिन में पड़ जाएगी, सबसे अर्ली वेराइटी होती है। इसको पानी की दिक्कत है, और बाद में अगर पानी नहीं भी मिला तो वो अपने यहाँ जो नॉर्मल होती है उतनी थोड़ी जाएगी, तो उसमें रेजिस्टेंट पावर है वो अच्छा है। नॉर्मल जो कम ड्यूरेशन वाली जो कम फसल अवधि रहती है उसमें ये फुले बीमा सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगी। और आपके पास अब ये क्या सिस्टम है कि किसी किसान को कभी भी दिक्कत आए तो वो आपसे कैसे बात करेगा, उसे आप कैसे सोचते हो? अभी हमने कॉल सेंटर लगा रखा है, और कि हमने यहाँ से भी जो किसी को चाहिए तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, और कई जगह पे अभी हम नेटवर्क ग्रो कर रहे हैं कि वहाँ पे हम सीड है वो डायरेक्ट किसान को भिजवा सकते हैं कुरियर और ट्रांसपोर्टेशन से, तो वो पेमेंट पहले डाल देते हैं और हम यहाँ से भिजवा देते हैं। फिर उसको अगर कोई दिक्कत आई तो वो उनको कॉल करके लगा सकते हैं। और हमारे सिस्टम क्या है कि एक को कॉल लगाया तो उसमें अगर गेस्ट आ रहा है, बिजी आ रहा है, तो दूसरे को फॉलो हो जाएगा, वो कंप्यूटर सिस्टम लगा रहा है। अच्छा, मतलब कॉल उठेगा। हाँ, अगर नहीं उठ पाया तो आपकी तरफ से लगेगा। हाँ, अगर कॉल नहीं भी आया तो बाद में हमारा कॉल सामने से आ जाएगा कि आपका कुछ काम था क्या था। तो अभी क्लिनिक जूनागढ़ से बात कर रहे हैं, ऐसा करके हमारे बात करेंगे। फिर आपको जो कोई भी दिक्कत है तो वो फोटो भेज दीजिएगा। और उसमें क्या चीज़ है कि जो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है जिसमें पूरा डिसीज और पेस्ट आ गया, वो मीडियम वाला और पूरा हेल्थी, वो तीनों प्रकार के जो पौधे हैं वो भेज देंगे। तो किसी भी किसान को अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो वो अपने जो पौधे में दिक्कत आई है उसका फ़ोटो भेजें, और आसपास की फसल का भेजें, तो जिससे पता चल सके कि फसल कैसी है और किस पौधे में कितनी दिक्कत आई, उससे कंपेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपको मैंने सुझाव बता सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप लेंगे। हाँ, ठीक है। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी जितनी अपनी चर्चा होगी तो आउट ऑफ MP वगैरह अगर कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता तो आप उन्हें पूरा मार्गदर्शन, आप पूरा मार्गदर्शन देंगे। और ये जो हमारी YouTube चैनल है जी, क्लिनिक हिंदी, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो हम WhatsApp ग्रुप पे भी जुड़े रहेंगे उनसे, कि WhatsApp ग्रुप की लिंक पे वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें नई अपडेट जो आएगी कि कोई भी फसल हो उसमें कौन सी नई वेराइटी आई है ऑल ओवर इंडिया में, वो उसकी खासियत क्या है कि उसको कैसे पौधा उसका ग्रो करता है, कितने दिन में पकती है, A to Z इंफॉर्मेशन है वो हम देंगे। और गुजरात में हम कैसे खेती बाड़ी करते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, आप हमको बताइएगा कि आपके MP में क्या है। और अभी हमें कोई नए स्टेट से जुड़ेंगे कि कोई महाराष्ट्र वाला आके हमारे साथ जुड़ गया कि हम ऐसे खेती करते हैं, तो तीनों में से बेस्ट कौन कर रहा है वो हम गुजरात में करवाएंगे, हम देखेंगे, फिर वो सुझाव सबको देंगे। तो पहले ट्रायल यहाँ होगा, उसके बाद हर जगह होगा। ठीक, तो इसी चर्चा को आप थोड़ा विराम देते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे। और आपको अगर इनके काम काज देखने हैं तो आप कभी भी सोमनाथ दर्शन के लिए आए, बढ़िया राजस्थान MP से, और बीच में जूनागढ़ पड़ेगा, आप गिरनार भी जाके चढ़ सकते हैं, और गिरनार के नीचे पहाड़ के नीचे इनका ऑफिस है, वहाँ आप इनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं, इनका काम देख सकते हैं, इनके प्लॉटिंग देख सकते हैं। और ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आए तो नीचे नंबर है। तो यदि सबके साथ हम अलविदा कहते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।